सो फ्रेंड्स, आज है हमारी आइसक्रीम क्लास का डे 9 और आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ चोकोबार आइसक्रीम बनाना बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही बढ़िया और बिना मोल्ड के भी आप इस आइसक्रीम को घर पे बना सकते हैं। और चोकोबार आइसक्रीम बच्चों की या हम सबकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिए। चोकोबार आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 150 ग्राम मिल्क चॉकलेट कंपाउंड ले लिया है। ये मोड ब्रांड का है, आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 50 ग्राम ये डार्क चॉकलेट लिया है, डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ डार्क चॉकलेट से बना सकते हैं या फिर सिर्फ मिल्क चॉकलेट से बना सकते हैं, या फिर आप इन दोनों को आधा आधा यानी कि हाफ ऑफ क्वान्टिटी में लेकर मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को मिक्स कर दिया है और इस चॉकलेट को हमें मेल्ट करना होगा अच्छे से। तो इस तरीके से मैं इसे यहाँ पर, मैंने एक बर्तन में गर्म पानी लिया है और ये जो चॉकलेट वाला बर्तन है हम इसके ऊपर रख देंगे। जो चॉकलेट है वो हल्की सी यहाँ पर सॉफ्ट है, तो बहुत ही आसानी से इस तरीके से मेल्ट हो जाएगी। अगर आपकी चॉकलेट बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप उसे माइक्रोवेव में 20-20 सेकेंड्स के लिए गैप पे दो से तीन बार आप उसे अच्छे से मेल्ट कर लें, या फिर डबल बॉयलर पे सेम मेथड से आप इसे मेल्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे गर्म पानी रखा है, इसे आप गैस पर रख दें और इस तरीके से चॉकलेट वाला बर्तन लेकर भी आप इसे मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चॉकलेट अगर आप देखें तो बहुत ही जल्दी से मेल्ट होने लग गई है और बहुत ही अच्छे से हमें यहाँ पे चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। तो बिल्कुल स्मूथ और एकदम इस तरीके से हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है, बिल्कुल ऐसी ही चॉकलेट हमें चाहिए। तो यहाँ पर चॉकलेट तो हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब चोकोबार आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये इस तरीके के ये पेपर कप्स ले लिए हैं। बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं हर जगह पे और सबके घर पे मोस्टली ये रहते ही हैं। तो इस तरीके के पेपर कप जो होते हैं उसमें आप बड़ी आसानी से चोकोबार आइसक्रीम बना सकते हैं बिना मोल्ड के, क्योंकि मोल्ड हर किसी के घर पर अवेलेबल नहीं होता है। तो इस तरीके के पेपर कप को हम क्या करेंगे, इसमें हमें चॉकलेट से अच्छे से इस पेपर कप को कोट करना है। तो मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच ये जो हमने मेल्ट की थी चॉकलेट वो डाल दिए। धीरे धीरे हम इस तरीके से इसे घुमाते जाएंगे और आप देखेंगे कि पूरी तरह से ये चॉकलेट में से कवर हो गया है। तो बहुत ही अच्छे से इस पे चॉकलेट अच्छे से कोट हो गई है। सेम तरीके से हम यहाँ पर जो हमारे ये सारे पेपर कप है इसे हम चॉकलेट से कोट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सारे जो पेपर कप है उसे मैंने अच्छे से चॉकलेट से कोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए नॉर्मल फ्रिज में रखना होगा ताकि जो हमने चॉकलेट इसमें डाली है वो अच्छे से सेट हो जाए। 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। जब तक ये सेट होते हैं तब तक हम आइसक्रीम का मिक्सचर बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है एक कप ये विप क्रीम, तो आप किसी भी ब्रांड का विप क्रीम ले सकते हैं, नॉन डेरी विप क्रीम है ये। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक कप ही लिया है, मेरा जो कप है वो 250 ml साइज का है। तो यहाँ पर जो क्रीम है बिल्कुल लिक्विड ही होनी चाहिए और बिल्कुल अच्छे से ठंडी यानी कि चिल्ड होनी चाहिए। तो इसे हम इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से 3-4 मिनट के लिए इस तरीके से विप कर लेंगे। क्रीम को अच्छे से हमें बिल्कुल थिक होने तक विप करना है। केक सजाने के लिए जैसे हम क्रीम को विप करते हैं वो स्टिक पे आने तक विप करना होता है, यानी कि बिल्कुल अच्छे से गाढ़ी चाहिए होती है। लेकिन इस यहाँ पर अगर आइसक्रीम बनाने के लिए आप क्रीम को थोड़ा सा कम भी बीट करते हैं तो भी चलता है, इसे हमें बस अच्छे से थिक होने तक ही बीट करना है। क्रीम आप देखें तो हमारी अच्छे से यहाँ पर विप हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप यहाँ पर ये मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, वैसे मिल्क पाउडर डालना यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, इसके बिना भी आइसक्रीम बना सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप यहाँ पर बिल्कुल ठंडा किया हुआ दूध। दूध को पहले मैंने उबाल लिया था, फिर ठंडा होने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, बिल्कुल एकदम चिल्ड सा ये दूध है। तो मैंने यहाँ 1 कप इसमें ये दूध डाल दिया है। 250 ml का जो है कप है मेरा। दूध की जगह पर आप आधा कप ये अमूल का फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ये कंडेंस मिल्क, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 यानी कि 1/4 कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की जगह पर आप नॉर्मल पाउडर चीनी का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसे 1-2 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि जो भी हमने चीज़ें अभी डाली हैं वो बिल्कुल अच्छे से हमारी जो क्रीम हमने पहले बीट की थी उसमें मिक्स हो जाए और बिल्कुल बढ़िया सा हमारा यहाँ पर आइसक्रीम का मिक्सचर बनकर तैयार हो। आज यहाँ पर जो हम ये आइसक्रीम का मिक्सचर बना रहे हैं थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो जो हमने प्रोफेशनल तरीके से आइसक्रीम क्लास का जो हमारा 6th डे था यानी कि 6th दिन हमने जो आइसक्रीम बनाई थी वनीला एंड कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम, उसका जो हमने मिक्सचर बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से भी आप इस मिक्सचर को बनाकर चोकोबार आइसक्रीम बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस पे डालेंगे वनीला।
एसेंस तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच, यानी कि 1 टीस्पून वनीला एसेंस। तो एसेंस डालने के बाद हमें क्या करना है, इसे हमें थोड़ा सा और मिक्स करना होगा ताकि जो हमने एसेंस डाला है वो पूरी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो ज़्यादा नहीं, बस कुछ सेकेंड्स के लिए हम अच्छे से इसे व्हिप कर लेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जो आइसक्रीम का मिक्सर है, वनीला आइसक्रीम का मिक्सर, बिल्कुल बढ़िया से बनकर तैयार है, बिल्कुल स्मूथ है ये मिक्सर। आइसक्रीम क्लास के 6ठे दिन पे जो हमने वनीला आइसक्रीम बनाई थी, आप उस तरीके से भी इस मिक्सर को बना सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे उस तरीके से आप इस मिक्सर को बना लीजिए। तो मिक्सर हमारा यहाँ पर बनकर तैयार है। और जो हमने यहाँ पर चॉकलेट वाले पेपर कप को अच्छे से सेट करने के लिए फ्रिज में रखा था, वो भी अगर आप देखें तो अच्छे से 10 से 15 मिनट में सेट हो गए हैं। तो अब हम ये कप, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है, इसमें अब हम डालेंगे जो आइसक्रीम का मिक्सर हमने तैयार किया है। तो इस मिक्सर को हम इस तरीके से डाल देंगे सारे कप में। अगर आपने हमारी बाकी की आइसक्रीम की क्लास की रेसिपीज को अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जरूर से चेक कीजिए, उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आप उसे भी एक बार चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पर सारा आइसक्रीम का मिक्सर मैंने ग्लासेस में डाल दिया है, पेपर कप में डाल दिया है, अच्छे से थोड़ा सा टैप कर लेंगे इसे। और अब हम क्या करेंगे, इस पर इस तरीके से ये फॉइल पेपर होता है जो सिल्वर फॉइल पेपर, इसे हम लगा लेंगे ताकि जब हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखें तो जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल अच्छे से हमारी बने और उस पर बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल बर्फ बिल्कुल भी नहीं जमती है इस तरीके से। तो मैंने इसे अच्छे से फॉइल पेपर से कवर कर लिया है और चाकू की हेल्प से इसमें इस तरीके से बीच में कट लगा दिया है ताकि अब हम इसमें अच्छे से इस तरीके से जो आइसक्रीम की स्टिक है उसे हम इजीली इसमें स्टिक कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसमें एक आइसक्रीम की स्टिक लगा दी है और ये बिल्कुल बढ़िया से हमारा बन गया है। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर सारे कप सेट कर लेंगे, ये बिल्कुल हमारी आइसक्रीम फ्रीजर में जाने के लिए तैयार है। तो अब हम इसे फ्रीजर में सेट होने देंगे 8 से 10 घंटे के लिए, या फिर आप इसे पूरी रात यानी कि ओवरनाइट भी फ्रीजर में सेट होने के लिए रख सकते हैं। और फ्रीजर का जो टेम्परेचर है आपको हाई रखना होगा, कुल्फी या आइसक्रीम कुछ भी अगर आप सेट करने के लिए रखते हैं। तो चलिए मैं इसे फ्रीजर में सेट करने के लिए रख देती हूँ। इसी तरीके से अगर आपके पास इस तरीके के जो कुल्फी के जो मोल्ड होते हैं अगर वो है, या फिर आपके पास जो चोकोबार बनाने का मोल्ड होता है, अगर आपको उसी में ही चोकोबार बनानी है तो मैं आपको बताती हूँ उसमें आपको कैसे करना होगा। तो इसमें हमें पहले चॉकलेट की कोटिंग नहीं करनी है, हम इसमें डायरेक्ट पहले जो आइसक्रीम का मिक्सर है उसे डालेंगे। आइसक्रीम का मिक्सर इसमें हम डालकर इसमें पहले आइसक्रीम सेट करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें चॉकलेट लगाएंगे। चोकोबार का जो मोल्ड होता है चोकोबार बनाने के लिए, या फिर इस तरीके की कुल्फी के जो मोल्ड होते हैं, उसमें अगर आप पहले चॉकलेट की कोटिंग करेंगे और फिर आइसक्रीम का मिक्सर डालेंगे तो वो सेट होने के बाद बिल्कुल भी आपकी जो चोकोबार आइसक्रीम है ठीक से नहीं बनेगी, आप निकाल ही नहीं पाएंगे उसे, कुल्फी आपकी अलग निकलेगी और जो चॉकलेट की जो कोटिंग होगी वो उसमें ही चिपक जाएगी। तो इसलिए हमेशा पहले इस तरीके से बनाइए, उसे सेट करने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हम कैसे चॉकलेट की कोटिंग करेंगे। चोकोबार आइसक्रीम को मैंने ओवरनाइट फ्रिज में अच्छे से सेट कर लिया है, तो चलिए अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं और देखते हैं हमारी चोकोबार आइसक्रीम कैसी बनी है। तो मैंने इसका जो पेपर है वो निकाल लिया है इस तरीके से, और जो चोकोबार आइसक्रीम है उसे अब हम इस तरीके से डीमोल्ड करेंगे। इसे डीमोल्ड करना बहुत ही आसान है, इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप इसे पकड़िए और बिल्कुल ईजीली आपको, आप देख पा रहे हैं मैंने इसे निकाल लिया है, बहुत बहुत ही आसानी से ये चोकोबार आइसक्रीम है ना वो पेपर कप से निकल जाती है। और आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया तरीके से सेट हुआ है, जो इसके ऊपर चॉकलेट है वो भी कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी चोकोबार यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी डीमोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से बिल्कुल इजीली ये निकल जाता है, कुछ ही सेकंड्स में बिल्कुल आप इसे हल्का सा ऊपर खींचेंगे और ये निकल आ जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से हमारी यहाँ पर ये चोकोबार आइसक्रीम बनकर सेट हो गई है और बहुत बहुत टेस्टी बनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चोकोबार जो आइसक्रीम हमने पेपर कप में बनाई थी वो मैंने पेपर कप टोटल 10 यूज किए थे, तो मैंने यहाँ पे 10 चोकोबार आइसक्रीम पेपर कप में बनाई थी और 5 हमने कुल्फी के मोल्ड में सेट की थी। तो टोटल सारे मिक्सचर से हमने यहाँ पर 15 चोकोबार आइसक्रीम बनाकर तैयार की है, बिल्कुल बाजार जैसी और एकदम टेस्टी से हमारे यहाँ पर ये चोकोबार आइसक्रीम बनकर तैयार है। तो चलिए हमने जो कुल्फी के मोल्ड में सेट की थी उसे भी चेक कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे जैसे हम कुल्फी को निकालते हैं, तो यहाँ पर ये वाली आइसक्रीम भी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें हमें चॉकलेट की कोटिंग होगी। तो बचे हुए चॉकलेट को मैंने वापस से यहाँ पर अच्छे से मेल्ट कर लिया है और इस तरीके से आप इसे कोट कर लीजिए चॉकलेट में, और यहाँ पर ये आपकी बढ़िया सी चोकोबार आइसक्रीम बनकर तैयार है। तो बिल्कुल आपको जो भी इजी लगे तरीका उसे आप यूज करके चोकोबार आइसक्रीम को बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो मुझे सबसे ज्यादा इजी तरीका यही लगता है कि आप पेपर कप में चोकोबार आइसक्रीम बनाए।
सिर्फ 20 से 30 मिनट में एक ही बार में आप सारी चोकोबार आइसक्रीम को बनाकर फ्रीजर में सेट होने के लिए रख सकते हैं, और जब भी आइसक्रीम जैसे ही सेट हो जाए आप डायरेक्टली उसे बच्चों को दे सकते हैं खाने के लिए, आप उसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका होता है इस तरीके से। और जो हम मोल्ड में बनाते हैं उसमें ये होता है कि आपको पहले आइसक्रीम को सेट करना होता है, फिर आप उसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग करेंगे जब आपको सर्व करना है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाता है। लेकिन ये तरीका जो पेपर कप में हम जैसे बनाते हैं तो सबसे आसान है। तो अगर आपको भी लगता है कि पेपर कप में चोकोबार आइसक्रीम बनाना सबसे ईजी और बिल्कुल आसान तरीका है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिए, और इसी तरह की और भी रेसिपी इसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।